संवेदनशीलता आई मीन सेंसिटिविटी। अब ये एक ऐसा हथियार है जिसका सही यूज से आप लोग किसी भी बंदे का खोपड़ी खोल सकते हो। एक गोली डाली, पांच खाली, सिर पे तानी, खोपड़ी खाली। यहाँ तक कि इसका यूज से अपने दोस्तों को कस्टम में भी पेल सकते हो। बट आज के टाइम में प्रो बन के भी कोई फायदा नहीं है। जिन्होंने आज तक वन टैप नहीं मारा वो लोग भाई मस्टैंग फरारी लेके घूम रहे हैं। और मेरे जैसे जो अल्ट्रा प्रो मैक्स वन टैप प्लेयर है ना, उनको देखो भाई, वो लोग साइकिल में या फिर पैदल घूमते हैं। चल बस रुलाएगा क्या? सो चलो बहुत हो गया ये सब बातें। आज गाइस देखो मैं आप लोगों को सीक्रेट सेंसिटिविटी का राज बताऊंगा, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स को पता है बट आप लोगों को नहीं पता, और आप लोगों को बताने का काम मेरा है। तो देखो आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो कि आप लोगों को बोलेंगे सिंपली अपना जो सेंसिटिविटी है उसको 200 कर दो, सब कुछ गाइस फुल कर दो। तो सच में क्या वो वर्क करता है वो गाइस मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बता दूंगा। उसके साथ भी गाइस देखो आपके डिवाइस के लिए जो बेस्ट सेंसिटिविटी होगा, अगर आपके पास आईफोन है तब तो भाई बहुत बढ़िया है, अगर आपके पास आईफोन नहीं है, अगर आप लोगों के पास एकदम कचड़ा सा फोन है, 2GB फोन है, 3GB फोन है, 4GB, 6GB, 8GB जो भी फोन है, हर एक डिवाइस के लिए देखो मैं आप लोगों को जो बेस्ट सेंसिटिविटी होगा वो गाइस मैं आप लोगों को बता दूंगा। गाइस देखो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोगों को खुद फाइंड करना होगा। बट कैसे आप लोगों को फाइंड करना है, कैसे आपके डिवाइस के लिए जो बेस्ट सेंसिटिविटी होगा वो फाइंड करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्योंकि गाइस देखो मेरा डिवाइस अलग है, आपका डिवाइस अलग है, तो सभी यूट्यूबर जो होते हैं ना, कुछ यूट्यूबर आप लोगों को ऐसे ही सी बना देते, बोल देते भाई ये सेंसिटिविटी रख लो आपका हेडशॉट लग जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो बता रहा हूँ वो गाइस आप लोग फॉलो करो। गाइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वीडियो के एंड में जो सेंसिटिविटी मिलेगा उससे गाइस आपका वन टैप पे वन टैप ही पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से जल्दी वीडियो को स्टार्ट कर लेते। बट मुझे पता है गाइस देखो आप लोग गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज गाइस एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर अगर न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसको भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना, और अपने हर एक दोस्त के साथ तो वीडियो को शेयर ही कर सकते हो। सो ये स्टेप गाइस कर लेना। सो गाइस चलो अभी जल्दी से जल्दी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस चलो हम लोग अभी ट्रेनिंग ग्राउंड पे आ चुके हैं, और गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को जो सेंसिटिविटी है ना सबको गाइस आप लोगों को 200 करके दिखा देता हूँ कि 200 में सच में मेरा हेडशॉट लगता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले आप लोग देख ही पा रहे हो इतना ज्यादा सेंसिटिविटी हो चुका है कि मेरा कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। ये गाइस देखो हर एक डिवाइस में अलग अलग होता है, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मतलब 200 सेंसिटिविटी करोगे ना तो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों का। तो गाइस आप लोगों को 200 सेंसिटिविटी अवॉइड ही करना है, क्योंकि गाइस देखो ऐसे मतलब स्क्रीन घूम रहा है ना, कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है, इधर उधर कर रहा भाई क्या ही घूम रहा है, और ऊपर से गाइस देखो हेडशॉट भी नहीं लग रहा है। तो 200 सेंसिटिविटी गाइस आप लोगों को नहीं करना है। अभी बात कर लेते क्या सेंसिटिविटी तब आप लोगों को रखना है। देखो गाइस जो सबसे पहला काम है वो है गाइस आप लोगों को जो अपना सेंसिटिविटी है ना उसको गाइस सबसे पहले आप लोगों को रीसेट पे कर देना है। इससे गाइस देखो फ्री फायर वाले आप लोगों को एक सेंसिटिविटी दे देंगे, और उस सेंसिटिविटी के बाद गाइस आप लोगों को छेड़छाड़ करके देखना है कि आप पे गाइस कौन सा सूट कर रहा है। जैसे गाइस देखो रीसेट करके मेरा 40 आया था, उसके बाद गाइस देखो मैं थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करूंगा, जब गाइस मेरा एकदम परफेक्ट हेडशॉट लगेगा ना तब उस टाइम में गाइस देखो मैं अपना जनरल को और इंक्रीज नहीं करूंगा। और सबसे पहले गाइस आप लोगों को अपना जो जनरल है उसको ही गाइस इंक्रीज करना है, ऐसा नहीं कि 2x को 4x को सबको गाइस आप लोग पहले इंक्रीज कर दो, ऐसा नहीं है। सबसे पहले गाइस आप लोगों को जनरल को थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करना है, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो मैं गाइस थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज कर रहा हूं और देख रहा हूं मेरे लिए कौन सा ज्यादा सूटेबल है। तो 40 में गाइस देखो जैसे कि गाइस आप लोग देख ही पा रहे थे 40 में बॉडी लग रहा था, थोड़ा सा मैंने इंक्रीज किया, उसके बाद भी गाइस देखो मेरे लिए उतना भी ज्यादा परफेक्ट नहीं था, थोड़ा सा बॉडी लग रहा था, हेडशॉट लग रहा था, तो ऐसा मेरे को नहीं चाहिए था, मेरे को गाइस एकदम परफेक्ट जनरल चाहिए था। तो गाइस देखो मैं थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया, और थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करने के बाद गाइस देखो 60 पे मैंने एकदम स्टक कर दिया, और 60 पे मेरा जो जनरल था ना वो काफी ज्यादा अच्छा खासा वर्क कर रहा था। देखो गाइस मेरा जो मतलब वाई एक्सिस था, मतलब कि जब भी मैं ड्रैग कर रहा था ना काफी ज्यादा अच्छे से ड्रैग हो जा रहा था, मेरा हेडशॉट गाइस लग जा रहा था, वन टैप हेडशॉट भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था डेजर्ट ईगल से, M1014 से, वुडपेकर से, और गाइस SMG गन से भी काफी ज्यादा अच्छा खासा हेडशॉट लग रहा था। और मेरा जो वाई एक्सिस था, मतलब जब मैं मतलब इधर उधर कर रहा हूँ अपना जो मूवमेंट कर रहा हूँ वो भी मेरा काफी ज्यादा सही था। तो मैंने जनरल को गाइस 60 पे ही रहने दिया, और यही गाइस मेरा मतलब जनरल मेरे लिए एकदम परफेक्ट है 60। इसके बाद गाइस देखो जो आता है वो है रेड डॉट, और ये गाइस देखो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सेटिंग है। गाइस देखो बहुत बंदे बोलते हैं रेड डॉट से गाइस आपका वन टैप लग जाता है, ज्यादा रेड डॉट करोगे तो आपका वन टैप हेडशॉट ज्यादा लगेगा। तो गाइस देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिंपली वर्क करता है अगर आपके गन में कोई भी स्कोप लगा हुआ नहीं है ना, तब गाइस जब भी आप लोग स्कोप ओपन करोगे अगर गाइस थोड़ा लॉन्ग रेंज में या फिर सामने अगर कोई एनिमी हुआ तो गाइस आपका जो उधर रेड डॉट आएगा ना वही आपका रेड डॉट है। इसको गाइस अगर आप लोग थोड़ा ज्यादा रखोगे तो आपका एक्यूरेसी थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। इससे गाइस वन टैप का कोई भी लेना देना नहीं है, जब भी आप लोग स्कोप ओपन करोगे
करोगे तभी ये रेड डॉट वर्क होता है। तो इसको तो गाइस मैं देखो रेड डॉट को मैं 52 रखता हूँ, आप लोग इसको 90-95 भी रख सकते हो। इसके बाद गाइस देखो जो आता है वो है 2A scope, और गाइस देखो मेरा जो डिफॉल्ट 2A scope इधर फ्री फायर वालों ने जो दिया है वो है गाइस देखो 60। और गाइस देखो मुझे पता है 60 गाइस बहुत ज्यादा कम है, मेरे को थोड़ा ज्यादा चाहिए। और गाइस देखो 2A scope में एक्यूरेसी काफी ज्यादा लगता है, आपको तो पता ही है। तो गाइस देखो मैं थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज कर रहा हूँ। और गाइस देखो और एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी गाइस आप लोग 2A scope को इंक्रीज कर रहे हो या फिर अपने लिए एकदम सही 2A scope का जो सेंसिटिविटी है वो गाइस अगर आप लोग खुश हो ना, तो गाइस देखना अगर आप लोगों का 2-3 गोली में हेडशॉट लग जा रहा है 2A scope से, तो मतलब कि आपको लोगों 2A scope के लिए अपना जो बेस्ट सेंसिटिविटी है वो मिल चुका है। और गाइस देखो मैं थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज कर रहा था, और 85 में गाइस देखो मेरा जो 2A scope था ना वो एकदम परफेक्टली सेट हो गया। और हाँ गाइस देखो मैं आप लोगों को ये जो सेंसिटिविटी करके दिखा रहा हूँ ना, ये गाइस देखो मैं आईफोन में खेल के दिखा रहा हूँ। अगर मैं एंड्रॉइड में खेल के दिखाता तो मेरा जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ा अलग होता और भी ज्यादा होता। आईफोन में आपको पता ही है पहले से ही बहुत ज्यादा हाई सेंसिटिविटी है, ऊपर से थोड़ा कम कम करके मैं कर रहा हूँ। एंड्रॉइड में करता तो और भी ज्यादा होता, जनरल भी ज्यादा होता, रेड डॉट भी ज्यादा होता, 2A scope भी ज्यादा होता। तो ये गाइस आप लोगों को कैसे फाइंड करना है वो गाइस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अब गाइस आप लोग अपने डिवाइस के हिसाब से कर लेना। इसके बाद गाइस देखो जो आता है वो 4A scope। और गाइस देखो मैं आप लोगों को एक चीज बता दे रहा हूँ, जब भी आप लोग अपना 4A scope का सेंसिटिविटी मतलब सही करोगे ना, तो गाइस आप लोगों को ध्यान रखना है आपका जो 4A scope का सेंसिटिविटी होगा वो गाइस ऑल टाइम अपना जो 2A scope का जो सेंसिटिविटी आप लोग रखे थे उससे ज्यादा होगा। जैसे कि मैं अपना 2A scope का जो सेंसिटिविटी 85 रखा था, तो मेरा 4A scope का जो सेंसिटिविटी होगा वो ऑल टाइम ज्यादा होगा 2A scope से, क्योंकि 4A scope में जो एक्यूरेसी होता है ना, एक्यूरेसी वो गाइस तो 2A scope से काफी ज्यादा होता है। तो ज्यादातर गाइस 4A scope अगर आप लोग चलाते हो तो देखना बॉडी आता है, तो इसलिए थोड़ा आप लोगों को हाई सेंसिटिविटी रखना है। और मेरे लिए जो 4A scope का जो बेस्ट सेंसिटिविटी है वो गाइस 100 पे मैंने सेट कर दिया हूँ। और गाइस देखो आप लोग देख ही पा रहे हो मेरा 2-3 गोली में हेडशॉट लग जा रहा है। ऐसा नहीं कि गाइस आप लोग फर्स्ट गोली फायर करोगे और फर्स्ट गोली में ही आप लोग का हेडशॉट लग जाएगा, गाइस ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप लोग का 2-3 गोली में हेडशॉट लग जा रहा है 4A scope को यूज करके, तो मतलब गाइस आप लोगों को 4A scope के लिए सही सेंसिटिविटी मिल चुका है, तो वो गाइस आप लोग रहने देना। तो 4A scope तो इधर मेरा हो चुका है। अभी बात आता है स्नाइपर स्कोप के ऊपर, बहुत बंदे स्नाइपर स्कोप को बहुत ज्यादा कर देते हो, बट ऐसा गाइस आप लोगों को नहीं करना है। स्नाइपर स्कोप कब काम आता है, जब भी गाइस आप लोग स्नाइपर स्कोप को ओपन करके इधर उधर कर रहे हो ना, तब गाइस स्नाइपर स्कोप वर्क होता है। बट इसको गाइस अगर आप लोग बहुत ज्यादा हाई सेंसिटिविटी कर दोगे तो आप लोग मूव ही नहीं कर पाओगे, मतलब मूव कर पाओगे बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली मूव हो जाएगा, तो आपको गाइस सामने वाला जो एनिमी होगा ना उसको एम करने में प्रॉब्लम होगा। तो इसको गाइस आप लोगों को जितना कम करना है उतना कम ही आप लोगों को रहने देना है। जैसे कि मैं गाइस 45 रहने देता हूँ, 45 में मेरा एकदम सही है, ज्यादा हाई भी नहीं है ज्यादा लो भी नहीं है, थोड़ा सा लो टाइप में। और मेरे को गाइस स्नाइपर स्कोप में ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा मोड़ा अगर मैं थोड़ा ज्यादा घुमा दूंगा तो मेरा जो एम है वो बहुत ज्यादा चला जाएगा, एनिमी गाइस सामने से भाग जाएगा। तो ऐसा गाइस आप लोगों को कभी नहीं करना है, जितना कम हो सके उतना रखना, जैसे ही 45 मेरे लिए बेस्ट है। और हाँ गाइस देखो स्नाइपर के टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर गाइस अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और इसके बाद गाइस देखो जो आता है वो है फ्री लुक, और फ्री लुक का तो कोई काम नहीं आप लोगों को पता ही है, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गाइस आप लोग कुछ भी रख सकते हो। और गाइस देखो जो फाइनल सेंसिटिविटी निकल के आता है वो गाइस आप लोग देख ही पा रहे हो, ये गाइस मेरे डिवाइस के लिए फाइनल सेंसिटिविटी है, आप लोग गाइस ये ट्राई मत करना, आपके डिवाइस के लिए अलग भी हो सकता है। अगर आप लोगों के पास iPhone 15 प्लस है तो गाइस आप लोग ये सेंसिटिविटी का यूज कर सकते हो, जैसे कि मेरा iPhone 15 प्लस है तो ये सेंसिटिविटी मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आप लोगों के पास ये डिवाइस है। तो वरना गाइस आप लोगों को मैंने बता दिया क्या क्या आप लोगों करना है। आई होप कि गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसको भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना। और गाइस देखो अगर आप लोगों को फ्री फायर में बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस अगर आप लोगों को CS रैंक में रैंडम प्लेयर के साथ खेल के जीतना है ना, तो गाइस आप लोग फटाफट लेफ्ट वाली वीडियो देखो। सो गाइस चलो टाटा बाय बाय पीस।